वेलकम गाइस टू दिस न्यू वीडियो, जिसमें आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे फ्लटर में सुपरबेस का इस्तेमाल करके डेटा को अपडेट कर सकते हो और डेटा को डिलीट कर सकते हो। ठीक है, पिछली बारी आपको बताया था कि आप कैसे डेटा को रीड एंड राइट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस बारी मैं आपको बताऊँगा कि आप अपडेट एंड डिलीट कैसे कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो दो चीज़ें हैं क्या? तो हम पहले तो फंक्शंस बनाने हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे अपने डेटा को डिलीट करने में और अपने डेटा को मतलब अपडेट करने के लिए। तो चलो उसके लिए हम चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ठीक है, मैं अपनी दूसरी स्क्रीन भी खोल लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा देर ना लगे। हाँ, तो जैसे मैंने अपनी इधर दूसरी स्क्रीन खोल ली है, अब मैं यहाँ पर एक बनाऊँगा अपडेट फंक्शन। ओके, यानी यहाँ पर मैं बनाऊँगा डिलीट फंक्शन। तो देखो, डिलीट फंक्शन ज़्यादा इजी है अपडेट फंक्शन से। तो हम पहले अब डिलीट फंक्शन को जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूँगा पोस्टग्रेस, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसा करो, इसी को कॉपी करके पूरा ले आओ इधर। ठीक है, कि इतना टाइम किसके पास है यार, है ना? हाँ, तो अब इधर आ गया और हम यहाँ लिखेंगे डिलीट टू डू। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। हाँ, तो सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। अब इधर देखना, हमने ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, रीड डेटा में। हाँ, अभी हमें यहाँ पर करना क्या है, हम यहाँ पर सेलेक्ट कुछ नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पर रीड ही नहीं कर रहे ना। हमें यहाँ पर जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखना है डॉट डिलीट, डिलीट कर देना है। अब ये पूछेगा कि भैया, अच्छा मैं डिलीट तो कर दूंगा लेकिन किसको डिलीट करना है? तो हम इसको एक आईडी देंगे कि भाई जिस टू डू की आईडी, हमें यहाँ पर एक आर्गुमेंट भी पास करना होगा। ठीक है, एंड टू डू आईडी, जिस टू डू की आईडी हमने जो सेंड की है आर्ग्यूमेंट में आईडी, ठीक है, अगर उससे मैच हो जाती है तो उसको डिलीट कर देना। बस इतना ही काम है तुम्हारा, और कुछ काम नहीं है। तो ये हमें डिलीट कर देगा, मतलब डिलीट हमें नहीं डिलीट करेगा, हमें बता देगा कि हमने मैंने कुछ डिलीट कर दिया है। ओके, तो चलिए इधर चलते हैं। और यहाँ पर जैसे मेरा रीड डेटा था, अब मुझे यहाँ पर करना क्या कि मैंने अब देखा कि यार यहाँ पर तो लिस्ट स्टाइल है, तो लिस्ट स्टाइल में पहले तो लीडिंग मिल जाता है। लीडिंग में मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टू डू आईडी एंड दिस इज टू स्ट्रिंग। ओके, और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर एक मेरे पास, मैंने जब पिछली बारी कुछ चेंजेस कर रहा था डेटाबेस में, तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ों को डिलीट कर दिया था। तो आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि मैंने वो कैसे किया था। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ऐप बार बना देता हूँ ताकि मैं उसको कर सकूँ दोबारा से। यप, एक्शंस, आइकॉन बटन। ठीक है, आइकॉन बटन लोको, आइकॉन, आइकॉन्स, डिलीट, इट्स लाइक क्रिएट। ओके, क्रिएट, एंड आप देख सकते हो कि इधर एक आइकॉन आ गया। और हमें क्या करना है, इधर नेविगेटर, नेविगेटर, नेविगेटर डॉट पुश, कॉन्टेक्स्ट, मटेरियल, पेज राउट, मटेरियल पेज राउट। और हमें यहाँ पर करना है होम स्क्रीन। आप देखोगे कि अगर मैं इधर दबाता हूँ तो मैं इधर चले जाता हूँ और ये होम स्क्रीन में ही क्या खुल गया था। दो मिनट, मुझे यहाँ पर जाना है होम स्क्रीन। ठीक है, होम स्क्रीन में मेरा ये है साइन आउट, दिस इज़ नॉट द होम स्क्रीन। हाँ, तो हमने क्रिएट स्क्रीन पे जाना है। सॉरी, मैं क्रिएट स्क्रीन पे आना चाहता था, मेरे जो दूसरे प्रोजेक्टर्स में मैंने कुछ और नाम रखा हुआ है तो इसलिए मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो गया था। सॉरी फॉर द इनकम। हाँ, तो मुझे यहाँ पर दबाना है, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। मुझे यहाँ पर लिखना है भैया ये तरन। ठीक है, मैं पर तरन लिखता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, मैं आता हूँ दोबारा, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पर तरन लिखा आ गया और इसकी यहाँ पर आईडी आ गई जो टू डू की। आपकी आईडी कुछ चेंज होके आएगी क्योंकि मेरे बहुत सारे मल्टीपल मैंने पहले टू डूज़ बनाए थे और उनको बाद में डिलीट कर दिया, तो उसने मेरे 22 आईडी यहीं से शुरू कर दी। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें इसको डिलीट कैसे करना है? तो यहाँ पर ना आपको एक ट्रेलिंग का ऑप्शन मिलता है। ट्रेलिंग मतलब कि यहाँ पर जो आइकॉन आता है इधर। ओके, यहाँ पर आप टेक्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर मतलब कोई भी विजिट रख सकते हो आप ट्रेलिंग में। जैसे यहाँ पर बोलता है वो विजिट चाहिए, इसको विजिट कोई भी दे सकते हो। मैं इधर आइकॉन बटन देता हूँ। ठीक है, आइकॉन बटन एंड आइकॉन वुड बी आइकॉन्स, आइकॉन्स डॉट लीट।
डॉट डिलीट ऑप्शन आ गया मेरे पास, और मैं यहाँ पर सुबेस वार रेस, यहाँ पर पहले तो मुझे इसको एक एजिंग फंक्शन बनाना है, ठीक है, सुबेस डेटा मैनेजर डॉट डिलीट डेटा डिलीट टू डू डॉट आई डी, और यहाँ पर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है ताकि सुबेस को मतलब हाँ फ्लटर को पता लग पाए कि भाई ये जो टू डू आई डी है ये हमेशा इसको मिले, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे इस टू डू में देखोगे, ठीक है इस रुको मुझे देखने दो टू डू है किधर, हाँ अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर जो आईडी है इसको ऐसे रखा हुआ है क्वेश्चन मार्क डाल के रखा हुआ है, मतलब कि नल भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर रखना होता है। और अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन रखता हूँ, वेट अ सेकेंड मुझे अपनी दूसरी स्क्रीन में आना पड़ेगा, हाँ तो अगर देखो मैं यहाँ पर एक रखने वाला हूँ, आप क्या करना जैसे आप क्रिएट स्क्रीन में जाना, ठीक है क्रिएट स्क्रीन पर जाकर आप इसको ऐसे ऐसे ले आओ, ले आओ सीधा ले आओ, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है इफ़ आर जो एरर इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि अगर नल नहीं आता है तो भैया ये दिखा देना, और यहाँ पर एरर एरर आर डॉट एरर डॉट मैसेज, ओके, लेकिन बाय चांस क्या मतलब होना ही हो तो हाँ अगर ये बन भी जाता है मतलब कि जो हमारा डिलीट हो जाता है तो यहाँ पर लिख देना डिलीटेड, एंड डिलीटेड के आगे क्या आएगा हमारा टू डू डॉट टाइटल, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो आप देखोगे डिलीटेड तरन, लेकिन इसको ने अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया, तरन अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा अगर आपको ये चीज़ करनी है ना इम्प्लीमेंट, तो आप स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ कर सकते हो, स्टेट मैनेजमेंट के लिए आप प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हो। जब मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊंगा फ्लटर में तो मैं आपको सिखा दूंगा कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो अभी तो हमने देख लिया कि भैया हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में डिलीट का ऑप्शन ला सकते हैं, अभी हमें देखना है कि अपने प्रोजेक्ट में मतलब एडिटिंग का बटन कैसे ला सकते हैं। तो इसलिए मैं एक नई स्क्रीन ही बना दूंगा, एक ऐसी स्क्रीन, ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा एक एडिट स्क्रीन रख दूँगा, ओके, एंड एडिट स्क्रीन में मैं इसको पूरा ले आऊँगा इधर ही, ठीक है, और स्क्रीन डॉट डॉट में एडिट स्क्रीन डॉट डॉट, दो मिनट, अच्छा मुझे यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एडिट स्क्रीन, ठीक है, एडिट स्क्रीन एडिट स्क्रीन एडिट स्क्रीन एडिट स्क्रीन एडिट स्क्रीन एडिट स्क्रीन, हाँ तो मैंने चेंज कर दिया। और अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है कि मुझे यहाँ पर अपडेट लाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर मैं इसी को ले आता हूँ, ठीक है, अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ मुझे यहाँ पर ले चलो, तो मैं इस फाइल में आ गया। अब मैं इसको मुझे यहाँ पर अपडेट वो लाना है, अपडेट द टू डू अपडेट टू डू, और यहाँ पर मुझे टू डू नहीं चाहिए, पूरा का पूरा एक टू डू दे दो, उसकी आईडी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा एक टू डू दे दो, थोड़ा गलत फॉर्मेट में लिख दिया, हाँ टू डू, ओके। और अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, क्योंकि पोस्टग्रेस की बात है, ध्यान से सुनना, इसका जीयूआई से कोई लेना देना नहीं है बल्कि इसका बैकएंड से लेना देना है। तो सुनो दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, अपसर्ट, ठीक है, या और अपडेट। अब देखो अगर तो आप करते हो अपसर्ट, मतलब अगर तो आप करते हो अपडेट, तो आपको दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है, पहला कि आप क्या क्या चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइटल चेंज करना चाहता हूँ तो मैं दूंगा कि भाई टाइटल चेंज कर दो, ठीक है, बट मुझे उसके साथ एक आर्ग्यूमेंट भी देना पड़ेगा, एंड वो आर्ग्यूमेंट होगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है, कि किस आईडी को चेंज करना है, किस आईडी को चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल जो आपका अपडेट वाला था ना ये सीन, मतलब कि आप लगा लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ, हाँ देखो अगर तो मतलब आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि अगर जो मेरा टू डू है वो एग्जिस्ट करता हुआ तो उसके टाइटल को चेंज कर दो, वरना उसको क्रिएट कर दो। मतलब अपसर्ट में क्या होता है, अगर तो कुछ एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट देन चेंज इट, ओके, बट एल्स, मतलब एल्स, ठीक है, अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो उस आईडी से कोई भी टू डू है ही नहीं, एल्स
क्रिएट वन विद द आईडी एंड टाइटल, मतलब कि टू डू को बना दो जिसका वही टाइटल हो और वही आईडी जो हमने दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि आपको एरर नहीं आता है, मतलब इतने ज़्यादा एरर नहीं आएंगे कि भाई आपकी आईडी गलत आ गई, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने कुछ गलत सेंड कर दिया, मतलब कि नल सेंड कर दिया, तो अपने वो नया टू डू बना देगा। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको पिछले बार अपने प्रोजेक्ट में कर रहा था तो हुआ क्या था कि मैंने उसको बोला कि भाई अपसर्ट कर दे, तो मैंने गलती से जो आईडी है ना उसको नल सेंड कर दिया, तो उसने मेरे लिए पूरी की पूरी मतलब एक टू डू नया बना के दे दिया जबकि मुझे चाहिए नहीं था। एंड अगर ऐसे ही एक आपका बग, ठीक है, एक आपका बग आपके एप्लीकेशन में आ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए जो अपसेट है उसको कम यूज़ करा करें, मतलब कि जब भी आपको रिक्वायरमेंट होते हैं ना सिर्फ तभी आप अपसेट को यूज़ करा करें, वरना आप अपडेट को यूज़ करा करें। अब अपडेट का फ़ायदा ये होता है कि मतलब आसानी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है, टाइटल मुझे चेंज करना है ना, टाइटल मैं लिखूँगा टाइटल, हाँ, टू डू टाइटल। और अब यहाँ पर मुझे एक इक्वल टू का साइन भी देना होता है। इक्वल टू मतलब कि भाई उसने मतलब हमने ये तो बता दिया कि किसको चेंज करना है, मतलब क्या चेंज करना है, टाइटल को चेंज करना है, लेकिन कौन से वाले टू डू के टाइटल को चेंज करना है, ठीक है, तो हम उसको भी दे देंगे ना। हाँ, तो हमने यहाँ पर ये दे दिया, हमारा काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस हो गया, इतना ही काम था, ओके। अब चलो इधर, अब बात आती है इधर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखना कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक गलती की हुई है कि मुझे यहाँ पर ओवरराइड, रुको, मुझे यहाँ पर ओवरराइड लाने दो। आपने पहले भी सिंटेक्स देखा होगा एंड ओवर मुझे रुको, बस आप इतना देखो, ये मैंने चीज़ लिखी ना इधर, मैं लिखूँगा टू डू डॉट कंट्रोलर डॉट वेट अ सेकंड, इट्स नॉट क्लियर, इट्स डिस्पोज, येप, इट्स डिस्पोज। और इसी चीज़ को मैं क्रिएट स्क्रीन पे भी लाऊंगा, मैं शायद से पिछली बार लिखना भूल गया था, आप लिख लेना वरना आपकी जो मेमोरी है वो लीक हो जाती है। मेमोरी लीक होने का मतलब कि फॉर एग्जांपल ये रैम में जब ये स्टोर होगी चीज़ें, मतलब कि जो आपने कुछ लिखा, स्टेट कहाँ जा रही है, ठीक है, वो रैम ही तो यूज़ कर रही है ना उसको, मतलब जो स्टेट है आपकी कि आपने क्या लिखा उसका टेक्स्ट, उसका कंट्रोल किसके पास है, रैम के पास ही तो है ना, उसमें तो मेमोरी जा रही है। तो फॉर एग्जांपल आपने टू डू कंट्रोलर को डिस्पोज किया ही नहीं, मतलब कि आपने उसको हटाया ही नहीं रैम से, तो रैम की एक्स्ट्रा पावर खाएगा। इसके मतलब कि अगर मैं इस स्क्रीन पे दोबारा जाई जाऊँ, ठीक है, तो हमेशा मेरे लिए एक नया टू डू बनाएगा, मतलब टू डू का कंट्रोलर बना देगा, ठीक है। और मैं कभी भी पिछले लेगा तो डिलीट कर ही नहीं रहा ना, जिससे होगा क्या, मेरी मेमोरी पे ज़्यादा परफॉर्मेंस इश्यूज आने लग जाएंगे और आगे जा जाके आपका जो ऐप है वो ज़्यादा रैम खाने लग जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्पोज, ताकि अगर जब स्क्रीन डिस्पोज हो गई, मतलब ये स्क्रीन बंद हो चुकी है, तो इसमें जो टू डू कंट्रोलर था ना ये भी डिस्पोज हो जाए, ये भी ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म ही हो जाए, ठीक है ना। वरना अगर ये ख़त्म नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ओके। तो वेट अ सेकेंड, हाँ, तो अब आप देखना कि यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था, रुको मैं आपको अभी समझा ही देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये है ना, मैंने यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर लिखा ऐसे, ठीक है, और मैं यहाँ पर गया, मैं यहाँ पर दोबारा गया, तो आप देखोगे अच्छा तो मेरे लिए एक नया टू डू बनाने, वैसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, लेकिन आप इतना समझ लेना कि भाई ये चीज़ ज़रूरी होती है, ओके, लिखना, वरना आपकी मेमोरी लीक हो जाती है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब आप देखो यहाँ पर एक तो हमें डिस्पोज का फंक्शन मिल गया, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मिल गया ओवरराइड वाइड इनिट स्टेट, ठीक है। इनिट स्टेट का मतलब होता है, अगर आपने रिएक्ट को यूज़ किया होगा तो आप फेमिलियर होंगे यूज स्टेट से, तो ये वैसे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने रिएक्ट यूज़ नहीं किया, आप सिर्फ फ्लटर पे ही थे, तो ठीक है, तब तो यहाँ पर हाँ, तो जैसे कि हमें इनिट स्टेट होता है, मतलब कि अगर आपने फ्लटर सीखा हो तो फ्लटर में होता क्या कि जब भी हमारी जो स्क्रीन ये नई बनी तो ये जो फंक्शन है ये रन हो जाएगा, मतलब कि जब मैं ऐसे आया यहाँ पर दबाया तो मेरे पास ये स्क्रीन पॉप हो गई ना, ये क्रिएट वाली स्क्रीन, तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आया तो जो क्रिएट है ना, क्रिएट ये जो क्रिएट फंक्शन है यहाँ पर, ये जब ये विजेट बना तो ये इनिट स्टेट आ गया मेरे पास, और ये तभी आता है जब मेरे जो विजेट है वो स्टेटफुल हो, अगर स्टेटलेस रखोगे तो आपकी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो टू डू मेरा मुझे पहले तो क्या करना है, मेरी एडिट स्क्रीन है ना, तो मुझे यहाँ पर एक फाइनल टू डू
टू डू चाहिए होगा, टू डू, ठीक है, मतलब कि जब भी मैं इस एड स्क्रीन पे जाऊँ तो मुझे बस ये होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो भी पेज मेरे को इसको रिडायरेक्ट कर रहा है उसको मुझे ये टू डू देना ही पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या करूँगा, टू डू डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट कर दूँगा इक्वल टू विजिट डॉट टू डू डॉट टाइटल। अब आप बोलते हैं कि भाई इतना काम क्यों करने की ज़रूरत, यहीं पर लिख देते सीधा विजिट डॉट टू डू डॉट टाइटल। तो आपने पहले ही देख लिया विजिट तो इसने कैंसिल कर दिया कि भाई ये तो इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। तो उसने क्या बोला कि पहले इनिशियलाइज करो उसके बाद बोलो, उसके बाद बोलो जो हमें करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले तो इनिट स्टेट किया, इनिट स्टेट का मतलब होता है इनिशियलाइज हो गया ऐप, उसके बाद इसने इसको चीज़ किया, तो इसलिए यहाँ पर विजिट हमें देख सकता है, ओके। और अभी हम इस स्टेट पे थे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे बाकी सारी चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, यहाँ पर हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट अपडेट टू डू, टू डू हमें यहाँ से मिल रहा है, टाइटल यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, एंड ऑल द थिंग्स आर वर्किंग फाइन। लेकिन अब आप एक चीज़ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना कि यहाँ पर मुझे ये रखना ही नहीं है, ठीक है, वरना मेरी जो आईडी है ना वो नल चले जाएगी। क्यों, यहाँ पर मैं कहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये मैंने नए टू डू बनाए हैं, इंस्टेंस नया बनाया है, ठीक है। यहाँ पर मैं कहीं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि मैं आईडी क्या है, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना, इसलिए मैं इसको हटाऊँगा, टू डू विजिट डॉट टू डू रखूँगा, टू डू, ठीक है। और यहाँ पर कॉपी विद कर दूँगा, कॉपी विद में क्या होता है, मैंने जैसे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आप लगा लीजिए एक ऐसे राउट है, ठीक है, और उसमें क्या है टाइटल, हाँ वेट अ सेकेंड, एक तो ये चीज़ ना बड़ी फॉर्मेटिंग इसकी ख़राब हो जाती है, हाँ किधर चले गया। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक टाइटल है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर है कुछ भी ऐसे लगा लो, और यहाँ पर मेरे पास आईडी है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास वन है। तो कॉपी विथ का मतलब होता है अगर मैंने कॉपी विथ किया इसमें तो ये जो AFD है ना मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कि पूरा बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहेंगी, बस ये टाइटल चेंज हो जाएगा। मैंने टाइटल को चेंज किया ना, अगर आपने रिएक्ट यूज़ किया हो, अगर आप वेब डेवलपर हैं तो आपने देखा होगा स्प्रेडिंग फंक्शन होता है, स्प्रेडिंग फंक्शन मतलब स्प्रेडिंग फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट में, वैसे ही कॉपी विथ भी होता है फ्लटर में। तो यहाँ पर मुझे करना है टू डू टू डू डॉट कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमारी आईडी ये वाली जाएगी, ये वाला पूरा टू डू भेज रहे हैं, बस इसमें जो टाइटल है ना उसको हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन इट गिव्स अस, तो ओके, तो ये जो आवाज़ आई थी अगर आपको सुनी हो तो शायद आपको नहीं सुनी होगी, लेकिन ये नोटिफिकेशन की आवाज़ थी, ओके तो कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर क्रिएट रीड स्क्रीन पे जाते हैं, मैं पहले वीडियो देख लूँ कितनी बड़ी होगी, हाँ वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी है, 20 मिनट की होगी है, छोटी वीडियो थी लेकिन मैंने आपको पूरा समझाया कि भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है, अपडेट में क्या होगा, ये क्या होगा, अपसेट में क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि चीज़ें हैं क्या, और वो कभी भी समझ भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें बता दी। और अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास एक ऑन टैप फंक्शन भी होता है, ठीक है, ऑन टैप फंक्शन भी होता है, नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, मटेरियल पेज राउट, और मटेरियल पेज राउट में कौन सा था हमारा, कॉन्स डॉट एडिट स्क्रीन, लाइक इट्स एडिट स्क्रीन, हाँ। तो टू डू, अगर आप यहाँ पर कॉन्स्ट डाल दोगे ना कॉन्स्ट, तो आप देखोगे एक चीज़ कि यहाँ पर ये बोलेगा इनवैलिड कॉन्स्टेंट वैल्यू, क्योंकि ये जो टू डू है ये कॉन्स्टेंट नहीं है, तो टू डू बस, ठीक है। चलो आ जाओ, वैसे हमने यहाँ पर कुछ क्रिएट नहीं किया, चलो क्रिएट कर देते हैं, RRRR कुछ भी डाल दो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इधर चलते हैं हम अपने मंजिल की तरफ, तो आप देखोगे लोड हुआ, RRRR आ चुका है, ठीक है। मैं दबाता हूँ इसको, मैं इसको कुछ, अब देखो RRRR आ गया है ना, इसने क्या किया उसको पिक कर लिया, ठीक है, इनिट स्टेट ने। और मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ, अपडेटेड आया, मुझे इसको दोबारा रीरन करना है, ठीक है, क्योंकि रियल टाइम नहीं है, ना ही प्रोवाइडर में चेंज हो रहा है, स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करके आप इसको कर सकते हो। आपने देखा कि अपडेट हो चुका है, ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पर बाय चांस अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो यहाँ पर आप अपडेट कर देना इसको, सॉरी मैंने क्रिएट रखा हुआ था, और उसको भी बटन को चेंज करके क्रिएट कर देना, इट्स लाइक अपडेट डेटा, इट्स लाइक अपडेट डेटा, ओके ठीक है।
तो इस वीडियो का सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पूरा समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, आपकी मर्जी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।